हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पड़ोसी जनपद अलीगढ़ और राजधानी दिल्ली में सीएए के विरोध और समर्थन में हिंसा को लेकर बुलंदशहर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आज जिलाधिकारी द्वारा बुलंदशहर के खुर्जा में मुस्लिम समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर डीएम ने खुर्जा तहसील में शांति समिति की बैठक आयोजित की। बुलंदशहर डीएम ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत पोस्ट वायरल न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आपसी सौहार्द बनाए रखें। डीएम ने कहा कि जिस तरह का माहौल वर्तमान में आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए यहां पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। जनपद को सेक्टर और जोन में विभाजित कर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बुलंदशहर के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पूरे जनपद में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी में फोर्स पैदल मार्च कर रहे हैं ताकि जिले में सामान्य स्थिति बनी रहे। अभी आप लोगों ने देखा कि खुर्जा तहसील के इस हॉल में हमने मुस्लिम समुदाय के समस्त गणमान्य नागरिकों के साथ बैठकर बातचीत की और शांति की अपील की। बेसिकली जनपद बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्र में थोड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसी को लेकर आज हमने शांति समिति की बैठक की है और लोगों को बताया है, लोगों से अपील की है कि किसी के भड़कावे पे ना जाएं, गलत न्यूज़ पे ना जाएं। प्रशासन हमेशा से न्यूट्रल रहा है और हमने सबके साथ बराबरी का सलूक किया है। कुछ एक भड़कावे पे जाके कानून व्यवस्था ना तोड़ें, कानून व्यवस्था मुस्तैद रखने में प्रशासन का साथ है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भी प्रशासन को आश्वस्त किया गया है कि वे किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। खुर्जा तहसील के सभागार में आयोजित इस बैठक में बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी संतोष कुमार, एडीएमई रविंद्र कुमार समेत सभी क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।